को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। बता दें कि विनेश 50 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि कर दी। वो बुधवार रात होने वाला 50 किलोग्राम कैटेगरी की वुमेन्स रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगे। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वो 53 किलो में खेलती थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलो कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। भारतीय दल की तरफ से इस बारे में फिलहाल कोई भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही विनेश के अचानक डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरे भारत में गम का माहौल है। वो 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलो वर्ग में अधिक वजन पाया गया। विनेश के मेडल से चूक जाने के बाद पीएम मोदी ने भी दुख जताया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुख देती है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।